पीयूष चावला ने अपने आईपीएल की पहली नोबल 385 ओवर करा देने के बाद में करी थी आईपीएल के अंदर। वेलकम टू अमेजिंग रैंडम फैक्ट वीडियो नंबर 20। मेरा नाम है भारत शर्मा और आप देख रहे हो देखो इसको। आज करता हूँ, आज का दिन आपका बहुत अच्छा बीत रहा होगा। लंदन के मॉडर्न आर्ट स्टूडियो ने एक ऐसा रूम तैयार किया है जिसमें आपको पूरा बारिश का एनवायरनमेंट मिलेगा। आप जाओगे तो हर जगह बारिश हो रही होगी लेकिन आपके ऊपर एक भी बूंद नहीं गिरेगी। इसमें ऐसे सेंसर लगाए गए हैं जो आपके ऊपर बारिश नहीं होने देंगे लेकिन आपके इर्द गिर्द बारिश हो रही होगी, तो आप बिल्कुल भी नहीं भिगोगे। यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों को भेज के एक एक्सपेरिमेंट किया गया था और उनमें से एक भी जना नहीं भीगा, सब मजे लूट के आ गए। हम में से ज़्यादातर को यह मालूम है कि हाथी बहुत ही ज़्यादा समझदार जानवर होता है और वो पुरानी बातों को बहुत अच्छे तरीके से याद रखता है चाहे वो कितना ही बूढ़ा हो गया हो। तो कुछ शिकारियों ने उन पर जहरीले तीर चला दिए थे। ये कुल 3 हाथी थे जिन पर ये तीर चलाए गए थे। अब उनको वो तीर लग चुके थे। अब इनमें से एक हाथी को मालूम था कि उसकी जान कहां बच सकती है, तो उसी तरफ भागा। एक्चुअली में वो भागा था वाइल्ड लाइफ रिहैब कैंप में और वहां पर इन तीनों ही हाथियों की जान बचा ली गई जब वो वहां पे आसपास में ही बेहोश इनको मिल गए। इनके तीर निकाल लिए गए और इनको थोड़ा बहुत मेडिकल ट्रीटमेंट देके दोबारा जंगल में छोड़ दिया गया। अब ये इसी तरफ क्यों भागे थे, क्योंकि इनमें से एक हाथी यहीं पर पला बड़ा हुआ था जिसको बाद में जंगल में छोड़ दिया गया था। नॉर्थ कैरोलिना के रहने वाले वेन मिसर एक फिशरमैन थे जो मछलियां पकड़ के अपने डेली का गुजारा कर लेते थे, लेकिन 90s के वक्त में उनको एक खास पत्थर मिला था जो था स्टार रूबी। ये बहुत ही रेयर थी, ऊपर से ये 377 कैरेट की थी जो अपने आप में ही एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। लेकिन उन्होंने ये बेची नहीं और उनकी मौत कुछ ही साल पहले कैंसर से हो गई। लेकिन अब उनकी फैमिली ने यह तय किया है कि वो इसको बेचेंगे और जो इसकी एस्टिमेट कीमत लगाई गई है वो है करीब 100 मिलियन US डॉलर। दुनिया का सबसे बड़ा कीट पतंगा, मक्खी, मच्छर, जो भी आप कहते हो, वो था मैगनाई सबटेरा। और ये इतना बड़ा था कि जब अपने पंख फैलाता था तो करीबन 2.5 फुट का हो जाता था। लेकिन ये पैलाजोइक एरा के वक्त में ही विलुप्त हो गया। लेकिन अगर अभी जिंदा होता तो क्या होता, इतना बड़ा मक्खिया बैठा आपकी कमर पे और खून चूस रहा है, अड़जा पीन दे। दोस्तों अभी तक बैड एस सोल्जरों की बात बहुत हुई होगी लेकिन एक वीडियो जो भी मैं बनाऊंगा बैड एस सोल्जर्स की, उसमें इस बंदे को ज़रूर रखूंगा। इसका नाम था एड्रिन कार्टन द वीआरटी। एक ब्रिटिश सोल्जर थे जो दोनों ही वर्ल्ड वॉर में शामिल थे। इनके मुंह पर, सर पर, पेट पर, एड़ी पर, पाँव पर, जांघ पर, कान पर गोली लगी लेकिन ये फिर भी बच गए। 2 प्लेन क्रैश में ये शामिल थे लेकिन वहाँ भी ये बच निकले। दुश्मन इनको पकड़ के ले गए लेकिन ये वहाँ के प्रिजन कैंप से भी भाग आए। इस वॉर में इन्होंने अपना उल्टा हाथ खो दिया लेकिन उससे पहले जब उंगली काटने की बात आई थी तो डॉक्टर ने मना कर दिया, लेकिन इन्होंने कहा कि इसे काट, तो इन्होंने नहीं काटा। इन्होंने उंगली ली, मुँह में चबाई, काट के फेंक डाली और उसके बाद में डॉक्टर क्या करता, लगा दिए टाके। जब बंदा इतना ढीठ था, दिलेर कह लो, बैड एस कह लो, कुछ भी कह लो, बंदा फाड़ था भाई। और उसके बाद में जब इनसे पूछा गया कि भाई तुम्हारे वर्ल्ड वॉर का एक्सपीरियंस कैसा था, इन्होंने कहा सही बताऊँ ना, मज़ा बड़ा आया था। और इस तरीके के बंदे को टॉप 10 बैड एस सोल्जर की लिस्ट में ज़रूर रहना चाहिए और जब भी मैं ऐसी लिस्ट बनाऊँगा तो इस बंदे को ज़रूर रखूँगा। किस रैंक पर रखूँगा वो डिपेंड करेगा, देखना आगे जब बनाऊंगा। बिल गेट्स और उनकी वाइफ मेलिंडा गेट्स की फाउंडेशन ने सन 2000 से लेकर अब तक 29,950 करोड़ रुपए का डोनेशन कर दिया है जिससे 60 लाख लोगों की जान बच चुकी है। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा और मैनग्रोव बे ऑफ बंगाल में है जो बनता है ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी से। GTA 5 को बनाने में रॉक स्टार के लगे 265 मिलियन US डॉलर जो कि किसी भी गेम को बनाने का सबसे महंगा बजट था। लेकिन जब इस गेम को रिलीज़ किया गया उसके 3 दिन बाद ही रॉकस्टार ने कमा लिए थे 1 बिलियन US डॉलर सिर्फ 3 दिन में। और अब तक बिक रही है ये गेम, ये अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई वाली गेम है। वेट करना पड़ेगा GTA 6 का, कब आएगी क्या अंदाज़ा लगता है कमेंट में ज़रूर लिखना। उसके बाद में GTA 6 के फैक्ट पर भी एक वीडियो बनाई जाएगी। द सिनेंसियो परगनेस एक ऐसा प्लांट है जिसके पत्तों का डिज़ाइन कुछ ऐसा है जैसे डॉल्फिन जंप मार रही हो किसी समुद्री लहर में। वैसे ये सब तो ठीक है लेकिन द सिनेंसियो परगनेस नाम देखो इस प्लांट का क्या है, जीभ में 2 बल पड़ जाएंगे बोलने पर।
ट्राई करना। सेल्फ ड्राइविंग कार को रियल वर्ल्ड में चलाए जाने से पहले टेस्ट किया जाता है ग्रैंड थिफ ऑल्टो गेम में, यानी कि GTA 5, 4 वगैरह ये सारी गेमों में टेस्ट किया जाता है कि कार किस तरीके से काम कर रही है। लेकिन मेरे हिसाब से ये और भी गेमों में टेस्ट करते होंगे, जैसे कि सिटी कार ड्राइविंग, ये एकदम परफेक्ट गेम है ये सारी चीज़ें टेस्ट करने के लिए, क्योंकि इसमें बिल्कुल रियल चीज़ होती है जो भी दुनिया में होता है, कि कभी भी कोई आ जाता है सामने, कभी भी कोई ब्रेक मार देता है, कोई गाड़ी सामने आ जाती है, ये सारी हरकत वही करती है इस गेम में, क्योंकि मैंने कुछ ही दिनों पहले खेली है इसीलिए बता रहा हूँ। स्टैंड अप कॉमेडियन की भी अब एक मास्टर डिग्री होने लग गई है। जी हाँ, यूनिवर्सिटी ऑफ कैंट ये कोर्स करवाती है, जब आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है तब आपको वो मास्टर डिग्री पकड़ा देते हैं। कौन सिखाता है यार कॉमेडी किसी को, ये तो नेचुरली आती है। अगर कोई हंसा सकता है तो वो हंसा देगा बिना किसी डिग्री के, अगर नहीं हंसा सकता नहीं आने वाली भाई ऐसी, कितनी डिग्री कर लो। डेट्रॉइट की पुलिस ने एक बार प्लान बनाया कि अब ना ड्रग डीलर्स को पकड़ने के लिए हमें दिमाग लगाना पड़ेगा, तो वो बन के गए अंडरकवर ड्रग डीलर। लेकिन दूसरी पुलिस का भी कुछ ऐसा ही प्लान था, उन्होंने भी कुछ दिमाग में यही घुसेड़ लिया था, अब वो बन के आ गए अंडरकवर ड्रग बायर्स और खड़े हो गए पिस्तौल तान के, हैंड्स अप वी आर पुलिस। इधर से ये असली पुलिस हम मेरे बाबा। मारियो गेम आप में से किस किस ने खेल रखी है, ज़्यादातर ने खेल ही रखी होगी, लेकिन आपको ये बात नहीं मालूम होगी कि सबसे पहले मारियो को दिखाया गया था डोंकी कॉन्ग नाम की गेम में, लेकिन उसमें जो कैरेक्टर था उसको बोला जाता था जंपमैन, और वो था कारपेंटर ना कि पलम्बर। और आज भी मारियो की वो धुन आपके कान में गूंजती ज़रूर होगी, टिडिंग टिंग टिडिंग टिंग 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 टिडिंग 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 टिंग टिडिंग। तो फिलहाल के लिए अमेजिंग रैंडम फैक्ट इस वीडियो में इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, अगर शेयर नहीं कर रहे हो तो भाई कुछ नहीं होने वाला मेरा, कर देना शेयर अगर कर सको तो भाई, नहीं कर पाओगे। और जो भी इस चैनल पे नए आए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको पता भी नहीं लगेगा कि मैंने कोई वीडियो डाली भी है।